तो आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ एक VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग पे फोल्डर एंड फाइल क्रिएशन का प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने पहले समझाया था, मैं दोबारा समझा देता हूँ गैरी जी कि हमें क्या करना है कि एक ड्राइव में एक ईएल का फोल्डर क्रिएट करना, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज उसमें क्रिएट करना है। उस ईयर के अंदर एक मंथ का फोल्डर, जैसे अभी आठवां महीना सातवां महीना चल रहा है, तो 7 तारीख का फोल्डर बनाना है। उस फोल्डर के अंदर आज डेट क्या है, आज डेट है तो 7th है, तो 8th है, तो 8th का फोल्डर बनाना है और फिर उसके अंदर 8 नाम का फाइल सेव कर देना। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं कि 2020 में 3rd महीना और 16 तारीख के अंदर 16 नाम का फाइल बना, और मैं हर दिन सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। समझ गए? ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करते हैं एक मॉड्यूल्स को, और मॉड्यूल्स इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे फंक्शन देते हैं। तो ये फंक्शन है सब्जेक्ट, रात को फंक्शन बनाया था तो याद है सब्जेक्ट, और यहाँ पे FLC के नाम से मैंने बनाया फाइल एंड फोल्डर क्रिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता करना होगा करेंट सिस्टम डेट का पार्ट कैसे पता चले, जैसे ईयर मंथ और डे। तो उसके लिए हम वेरिएबल लेते हैं y इक्वल टू, हम करेंगे यहां पे ईयर। ईयर क्या है, एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले में हमने डेट कर दिया। डेट क्या है, करेंट सिस्टम डेट। तो डेट भी एक तरह का फंक्शन है, सिस्टम डेट रिटर्न करता है। ईयर क्या है, उस डेट में से ईयर को अलग करता है। ये फंक्शन है, तो इसके लिए कोई स्टोरेज पॉइंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दे दी y। y क्या है, एक वेरिएबल, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम xyz लेते हैं, तो सम पीसी में इसको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, सम पीसी में आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैसे, दिन y कॉमा m कॉमा d एज ए, हमने यहाँ पे कर दिया लॉन्ग। लॉन्ग मतलब लॉन्ग डेटा टाइप, नंबर में लॉन्ग, लॉन्ग नंबर। ठीक है, ठीक है, m इक्वल टू हमने यहां पर फिर दी मंथ, तो यहां पे डेट, एंड d इक्वल टू डे, और इसमें हमने कर दी डेट। तो इसको एक्सेल पे समझिए क्या है, जैसे कि टुडे का फॉर्मूला एक्सेल में होता है ना, वो क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है। तो ईयर का फॉर्मूला आप लगाते हैं तो इसमें से ईयर 2020 को अलग करेगा, अगर आप मंथ का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें से मंथ को अलग करेगा, और डे का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें से डे को अलग करेगा, और ये जो है वाई पे स्टोर कर देगा, इसको एम पे स्टोर कर देगा, इस पे डी पे स्टोर कर देगा। मतलब कि वाई पे स्टोर होगा 2020, एम पे स्टोर होगा 7, एंड डी पे स्टोर होगा 8, और कल 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसे सिस्टम डेट के साथ एक कनेक्टेड रहे। क्लियर है? हाँ जी। अब फोल्डर बनाने के लिए क्या कोड होता है, अब फोल्डर का कोड देखिए, फाइल का कोड तो बताया था मैंने कल। हाँ जी, फोल्डर का कोड होता है mkdir, मेक डायरेक्टरी, दोनों का शॉर्ट फॉर्म लिया गया, याद रहेगा। ठीक है, ओके, mkdir, और यहाँ पे जिस लोकेशन में फोल्डर बनाना है उस लोकेशन का पाथ देना होगा। जैसे मुझे बनाना है f, मैंने g कर देता हूँ, g में तो है, हाँ g में है, एफ ले लीजिए, मान लीजिए एफ ड्राइव आपको देना। ठीक है, F. उसके बाद कौन सा फोल्डर, 2020 जो लास्ट में आप देंगे ना उसका फोल्डर बना दिया, मतलब कि इस डायरेक्टिव को कंप्लीट कर देंगे, बट लास्ट लास्ट वाले जो जो नाम डालेंगे उस नाम का फोल्डर उससे पहले वाले पाथ पे बनाते हैं। ओके, ठीक है, अब जैसे कि मुझे इसमें आगे करना होगा, दूसरा फोल्डर बनाना होगा, तो यहां पे हमें क्या देना होगा, स्लैश 7, तो 2020 के अंदर 7 का फोल्डर बनाते हैं, और फिर इसके अंदर 8 का फोल्डर बनाते हैं, समझे? तो वन बाय वन करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसको नहीं दे सकते, क्योंकि वो लास्ट वाले जो है उसी को बनाता है, उससे पहले एक्टिव होनी चाहिए आपके सिस्टम में, इसलिए वन बाय वन बनाएगा।
लेकिन कॉलम में यहाँ पे तो आपने मैनुअल कर दिया ना क्या सर, हमें तो इससे उठाना था ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉनकाटा नेट एंड परसेंट क्या करता है, ज्वाइन करता है। जैसे यहां पे मान लीजिए कि आपने लिख दिया एफ ड्राइव का पाथ दे दिया, अब दोनों को मिला के आपको बनाना है, तो हम क्या करते हैं इसको सिलेक्ट करते हैं एंड परसेंट इसको सिलेक्ट करते हैं, ज्वाइन कर दिया ना, ठीक है। उसी तरह से इस डायरेक्टरी को और वाई के ऊपर जो वैल्यू है उस वैल्यू को क्या करेगा, कंबाइन करके ज्वाइन कर देगा, राइट, ठीक है। अब यहां हम आते हैं, तो इसमें हमें n परसेंट देना है y, वापस n परसेंट और स्लैश, वापस हमने स्लैश क्यों दिया, क्योंकि यहां देख रहे हैं ना कि स्लैश है 2020 के बाद, हाँ जी, वाई सिर्फ 2020 ही दे रहा है ना, n साथ दे रहा है, तो बीच में स्लैश तो होना चाहिए ना, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी, हाँ जी। तो यहां पे इसी चीज को हम यहां देंगे एड परसेंट के साथ, या आपने इसके पीछे वो इन्वर्टेड कॉमास क्यों नहीं डाले, वाई एम और डी के पीछे, वाई एम एक वेरिएबल है, कोई डेटा नहीं है, ओके, समझ गए ना, अगर हम वाई के आगे पीछे इन्वर्टेड कॉमा डाल देते हैं तो वाई नाम का ही फोल्डर बना देगा, वाई पे स्टोर वैल्यू नहीं लेगा, ओके। जैसे कि आप यहाँ पे अगर मान लीजिए फ्रॉम एक्सेल में आप इक्वल A1 करते हैं तो A1 को रेफर करता है ना, लेकिन आप इक्वल इन्वर्टेड कॉमा में A1 कर देंगे तो क्या होगा, A1 ही शो करेगा ना, वो A1 की वैल्यू तो नहीं शो करेगा, ठीक है। सेम उसी तरह से एक लोकेशन है जो है आपका एक लोकेशन, ओके जी, यहाँ पे उसकी कंबाइन करेगा, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में कभी भी वेरिएबल्स को नहीं लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में क्या लगाएंगे, सिर्फ टेक्स्ट, जैसे कि ये देखिए पाथ हमारा टेक्स्ट है, स्लैश हमारा टेक्स्ट है, किस तरह का कोड है, किस तरह का वेरिएबल नहीं है, ठीक है, किस तरह का कोड है, किस तरह के वेरिएबल में हम इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते, नहीं लगाते, ओके सर। ये आपका फोल्डर बन गया, अब फाइल क्रिएट करते हैं, तो फाइल क्रिएट करके सेव करना है तो क्या करेंगे हम, workbook.add और इसी के साथ हम सेव एज कर देंगे, क्योंकि हमने कल की क्लास में समझाया था आपको, हाँ जी, सेव एज में कहां सेव करना है, तो हमें इस लोकेशन में सेव करना है, ले लिया लोकेशन, नाम तो सिर्फ लोकेशन ही दिया ना, तो यहां पे हम स्लैश परसेंट है एंड परसेंट डॉट एक्सेलेस एक्स, ये समझ में आया कि नहीं सर, ये मुझे लास्ट वाला नहीं पता लगा जी, हमारे पास ऑलरेडी पाथ क्या, पाथ क्या चाहिए, तो नहीं पाथ चाहिए एफ में स्लैश 2020 स्लैश 7 स्लैश 8 स्लैश 8 डॉट एक्सेलेस एक्स, ओके तो ए वाई क्या है हमारा 2020 है, एम क्या है 7 है, डी क्या है 8 है, तो यहाँ देख लीजिए 2020 7 और 8 आ गया और यहाँ पे 8 आया, हमें एक्सटेंशन तो देना पड़ेगा ना, डॉट एक्सेलेक्स या डॉट एक्सेलेक्स एम क्या चाहिए, क्योंकि डी के ऊपर स्टोर थोड़ी है एक्सेलेक्स, तो ये सारा जो कंबाइन होगा इस तरह से इस तरह का बन जाएगा, ओके ठीक है। अब फाइल हमने क्रिएट किया है उसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा ना, और जो फाइल क्रिएट हुई है वही एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव वर्क बुक डॉट
इक्वल। अब मान लीजिए एक्टिव नहीं होता तब कैसे क्लोज करते, तब फाइल का नेम लेते हैं ए, दिख रहा है आपको, वो इस तरह से लिखते हैं हम यहां पे वर्क बुक्स और इसमें ये देते हैं डॉट क्लोज। नीचे का कोड नहीं समझा रहा। जैसे मान लीजिए कि अगर फाइल आपकी एक्टिव नहीं होती तो मुझे इस कोड को लिखना पड़ता, फिलहाल तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ओके नहीं होता तो मुझे इस कोड को लिखना पड़ता। ओके ठीक है, डी क्या हो जाता, डी से फाइल का नेम पता चल जाता, ये आपका एक्सटेंशन है, दोनों मिलकर क्या हो जाता एक डॉट एक्सलेस एक्स। ओके ठीक है, ये दोनों जब कंबाइन होता तो ए डॉट एक्सलेस एक्स हो जाता इनवर्टेड कॉमा में। लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि वही एक्टिवेट। ठीक है जी, मेरा फाइल बन गया, लेकिन फिर भी अभी रन करने पे एरर देगा। क्यों एरर देगा, इस कोड में एरर होगा, आप देखिए समझने की कोशिश कीजिए और बताइए कि कहाँ एरर होगा और क्यों एरर होगा। पता नहीं सर, पढ़िए ऐसा सोचने की कोशिश कीजिए। देखिए एक मंत्र यार, एक एक जो है ना बीवी सीखने का मंत्र है वो याद कर लीजिए, पता है क्या है मंत्र, ट्राई 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 अगेन ट्राई, पर इंग्लिश में है मंत्र, नहीं होती हिंदी में, संस्कृत में होना चाहिए था लेकिन हिंदी में इंग्लिश में बोल दिया। उसके थ्रू हम पता नहीं कर सकते कि कहां पर एरर है, पता कर सकते लेकिन इसमें फर्स्ट टाइम एरर नहीं आएगा, सेकंड टाइम एरर आएगा। एक्टिव वर्कबुक तो दिया हुआ है तो सेकंड टाइम कैसे आएगा, यहां फोल्डर क्रिएशन में एक नाम का फोल्डर एक ही बार क्रिएट होगा ना, दोबारा जब क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करेगा, नहीं नहीं वो ओवरराइड नहीं करेगा। 2020 का फोल्डर ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट है ड्राइव में, 2020 का फोल्डर तो ही बनाएगा, समझे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम रन करते तो फर्स्ट टाइम तो रन हो जाता क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके उस लोकेशन में 2020 नाम का फोल्डर नहीं है। सेकेंड टाइम जब इसको रन करेंगे, अभी देखिए अभी मेरे पास एग्जिस्ट है वैसे का रन करूंगा, क्या आएगा, फाइल पाथ एक्सेस एरर। अब इसमें एक्सेस की कोई गलती नहीं, गलती किसकी है, गलती मतलब कि सेटिंग है हमारे फोल्डर की, फोल्डर में एक नाम के दो फाइल नहीं सेव हो सकते सेम एक्सटेंशन के, समझे, ठीक है। तो क्या करें, तो मुझे क्या करना है कि इसमें कुछ तरह से एरर हैंडलिंग लगाना है, जैसे ये डीवीएम हम लोग लगाते एक्सेप्ट लगाते हैं ना इफ एरर, कि एरर आया तो स्किप होके दूसरा फॉर्मूला चल जाए, तो सेम इसी तरह से मुझे यहाँ पे एरर यूज करना पड़ेगा, एरर एरर को स्किप करना होगा। याद रखिएगा ये हमेशा यूज होगा ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ये डाल दिया तो ये कोड क्या करेगा, इससे नीचे जितने भी कोड है ना सबको ध्यान रखेगा और ध्यान रख के देखेगा कि कौन सा एरर, कौन सी लाइन में एरर है, जिस लाइन में एरर आया उसको स्किप करके उसके अगले लाइन में चला जाएगा। ओके ठीक है, देखिए मैं इसको रन कर रहा, क्लोज हो गया। देखिए लोकेशन में 2020 में सात का फोल्डर है, सात के फोल्डर में आठ का फोल्डर है, आठ के अंदर आठ नाम की फाइल, समझ गए, हाँ जी। अभी आपको कोड में परेशानी है इसमें, नहीं नहीं अभी नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है जी।
अब क्वेश्चन ये आता है, वो मंत्र जो मैंने दिया था ना वो ध्यान रखिएगा, ट्राई ट्राई अगेन ट्राई, क्योंकि गलती छोटी मोटी होती है, और सही लिखते हैं छोटी मोटी गलती होती है। इससे पहले भी प्रोजेक्ट आपने दिखाया था उसमें छोटी सी गलती थी ना, हाँ जी वो XLS and versus XLS, XLS, X, इसलिए ध्यान से पढ़िए और एक्सेल की तरह सोचने की कोशिश की, अब सिस्टम की तरह सोचिए, अपना आपको सिस्टम बना लीजिए और उसके अकॉर्डिंग सोचिए कि क्या हो सकता है, तभी जाके परफेक्ट होइएगा। अब क्वेश्चन आता है कि एक तो हमने एक बार के लिए बनाया, मुझे इसको हर दिन रन करना, समझे, मुझे इस कोड को एवरी डे रन करना, तो एवरी डे रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस बुक वन फाइल को ओपन करके फिर इस मैक्रो को रन करना, जैसे कि मैं बताया था कि पब्लिक मैक्रो है। हाँ जी, पब्लिक मैक्रो में अगर हम बात करें तो ये मैक्रो जो है इसी फाइल में चलेगा, उस पूरी फाइल में चलेगा, नहीं जब तक चलेगा तो जब तक ये फाइल ओपन ना हो तब तक, ठीक है, लेकिन मुझे इसको एक्सेल का पार्ट बनाना है ताकि मैं क्लिक करूं और रन हो जाए। सबसे पहले तो मैं इसके शॉर्टकट दे देता हूं, मान लीजिए इसका शॉर्टकट मैंने दे दिया कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको सेव एज कीजिए, ब्राउज करके कहीं अलग लोकेशन पे, तो मैं डॉक्यूमेंट में ही कर देता हूं, यहां पे सिलेक्ट कर लीजिए अपना एक्सेल एड इन्स, ठीक है, एड इन्स कर दिया आपने, उसके बाद लोकेशन का आइए, जिस लोकेशन पे सेव करना है, जैसे डॉक्यूमेंट में शूट करना है तो डॉक्यूमेंट में नहीं, मैं डेस्कटॉप के अंदर कर रहा हूं, यहां पे एफएलसी के नाम से, ठीक है, अब मैंने सेव कर दिया, इसने क्या किया, इसकी पूरी कोड को अलग कर दिया, मैं इसको डॉट सेव करके बंद कर देता हूं, कि कोई अगर एफएलसी को ओपन करेगा, एफएलसी को ओपन करेगा तो ये ओपन नहीं होगा, ठीक है, एक्सेल ओपन होगा ये कुछ दिखेगा नहीं, सिंपल ब्लैंक रहेगा, ब्लैंक है ना, हाँ जी, इसने क्या किया, इसके कोड को ओपन कर दिया, यहां देखिए, ये काम भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो एक्सेल का पार्ट बनाना है, तो कैसे बनेगा एक्सेल का पार्ट, तो आप एक नई एक्सेल फाइल को खोलिए, और उसके अंदर कहां जाइए, एक नई एक्सेल फाइल खोल लीजिए पहले, उसके बाद एक्सेल ऑप्शन, याद आपने तो एक्सेल कोर्स नहीं किया ना, एक्सेल कोर्स करते थे आपको पता रहा था, एडिंस, एडिंस में गो, ब्राउज कीजिए, मैं इसको हटा देता हूं, ब्राउज कीजिए, ब्राउज करने के बाद आप उस लोकेशन पे जाइए जहां पे आपका एडिंस सेव है, एंड ओके, ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी तो फिलहाल नहीं कुछ, यहाँ मैक्रो यहाँ पे जाइए डेवलपर टाइम में, मैक्रो लिस्ट में मैक्रो तो आया नहीं, बट ये हो गया है, आप एक मिनट में एक फोल्डर डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, एक नाम के दो फाइल है ना, सेवन का फोल्डर डिलीट कर, अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट रन करता हूँ, कंट्रोल की, कंट्रोल शिफ्ट की, हो गया ये, हो गए फिर, ये तो शॉर्टकट याद थोड़ी रहेगा, तो आप इसका आपका हेल्प करेगा फाइल में दो तीन तरीके, आप चले जाइए कस्टमाइज रिबन, और कस्टमाइज रिबन में इस मैक्रो को किसी और डेवलपर में किसी टैब में यहां से ऑन कर सकते हैं, मैक्रोस क्लिक कीजिए तो आ गया ना, इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर क्विक एक्सेस बार में ऊपर यहां पे डाल सकते हैं, मैंने यहाँ मैक्रोज को सिलेक्ट किया और इस मैक्रो के यहाँ, या फिर नया टैब कस्टमाइज रिबन में जाके नया टैब बना सकते हैं और उसमें सारे मैक्रो रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, अब देखिए ऊपर आ गया ना एफएलसी, मैं इसको रन करूंगा तो वर्क कर जाएगा, तो किसी मैक्रो को बना के किसी फाइल में स्टोर करना है, तो अगर वो फाइल के लिए बनाए थे, मैक्रो हुआ एक मैक्रो होता है जो किसी पर्टिकुलर फाइल के लिए बनता है, डेटा के लिए बनता है, कोई इसी डेटा पे काम करेगा,
कोई रिपोर्ट वगैरह बनाना है ना आपको, उसका एक डेटा है उसे एक रिपोर्ट बन दी, तो वो मैथड उसके साथ सेव हुआ, चलो ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फाइल है जो कि हमें किसी फाइल के लिए नहीं लेकिन अलग अलग कामों के लिए यूज हुआ है, कभी भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसको आप इस तरह से एडिंस की मदद से एक्सेल का फीचर बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक कोड भेज दो या आपको याद हो गया? एक कोड? हाँ नहीं सर, ये कोड तो है, आप जो ये रिकॉर्डिंग है ना, आई विल यहीं से ले लूंगा। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, हाँ जी, तो एक बात पूछनी थी, जैसे आपने ये जो एड इंस बनाया है, अगर हम हमारे पास कोई फाइल आ रही है फ्रॉम आईटी एवरी डे, ठीक है, तो मैंने मुझे ये करना है कि वो फाइल ये मैक्रो ऑटोमेटिकली उठाकर इस फोल्डर में डाल दे। So, ये ऐड जो अभी आपने एड इन, आप ये बताइए वो फाइल कहाँ से आ रही है, मेल पे आ रही है? नहीं, फाइल आ रही है डायरेक्टली इन अ शेयर डायरेक्टरी पर, वो डाउनलोड हो जाती है 12 बजे के बाद, आईटी वाले वो रन करते हैं फाइल्स, तो उन्होंने एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, वो एक शेयर फोल्डर में चली जाती है फाइल। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक इस पे वर्कबुक ओपन दिख रहा है, चाहे मैक्रो बना सकते हैं आप, एक मैक्रो बना दीजिए सब्जेक्ट हमारा और फाइल, यहाँ पे आप जो है एक कोड लगा दीजिए फाइल कॉपी, ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन डाल दीजिए। ओके, तो वो रन करेंगे तो कर देंगे, आप बोले माइक्रो ऑटोमेटिक रन होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक तो रन नहीं होगा, लेकिन हाँ इस माइक्रो को आप जो है इस फाइल कॉपी को डाल दिया ना, यहाँ वर्कबुक और यहाँ ओपन, यहाँ वर्कबुक ओपन में, यहाँ आप मान लीजिए हमने एफ सी कर दिया, तो जब भी ये फाइल ओपन होगी ऑटोमेटिक ये माइक्रो रन हो जाएगा एफ सी। ओके, ठीक है, ये फाइल ऑटोमेटिक ओपन कैसे होगी, तो इसको मैंने बहुत पहले ट्राई किया था विंडो एक्सपी पे, लेकिन मैं इसका नहीं बता सकता कि इसमें कैसे होगा। टास्क रूलर आप दे सकते हैं कि एक टास्क दे सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज ओपन हो जाए। ओके, आप न्यू टास्क करके दे सकते हैं, तो आप इस पेपर देख लीजिए, यहाँ पे नेम वगैरह और यहाँ पे एड ट्रिगर, क्या ट्रिगर हो यहाँ पे न्यू होता है, ऐसे ही हो गया, देखिए ट्रिगर है, एक्शन है, ठीक है, यहाँ पे ऑन टाइम, यहाँ पे होता है रिपीटेड एवरी डे, ये होता है एक्शन होता है क्या करना है, ऑन शेड्यूल, ऑन स्टार्टअप, कहीं कंप्यूटर ओपन हो तो कुछ ओपन हो जाए, ठीक है ना, ओके, इसका यूज कर सकते। एक्शन में क्या होना चाहिए, तो एक्शन में आप यहाँ डाल दीजिए स्टार्ट प्रोग्राम, सेंड ईमेल, डिस्प्ले मैसेज, ठीक है, हाँ जी, स्टार्ट प्रोग्राम में होगा, अब स्टार्ट प्रोग्राम में पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, एक बार देख लीजिए हम सब, ठीक है, ओके, ठीक है, ट्राई करके देखिएगा। ओके, करूंगा आज। ओके, ठीक है जी, तो अभी मैं इसकी प्रैक्टिस कर लूंगा जो आपने अभी, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए।